नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, मैंने आपके सभी कमेंट्स पढ़े अपने प्रीवियस वीडियो पे। सो यू आस्क्ड फॉर द पार्ट टू ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। सो हियर आई एम विद द पार्ट टू ऑफ जीडीटी क्रैश, रीजंस, कंसीक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। तो गाइस, हमारी इंडियन जीडीपी की अभी क्या हालत है ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो, द लिंक विल बी देयर फॉर यू। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि इस बार इंडिया का क्वार्टरली जीडीपी परसेंटेज -25.6% पे पहुंच गया है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि 1996 से क्वार्टरली जीडीपी निकालना शुरू हुआ था, वरना उससे पहले एनुअली ही जीडीपी निकाली जाती थी। और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार का इंडिया का परफॉर्मेंस अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इससे पहले 1979 to 1980 की अराउंड में -5.2% अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस कहा जाता था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीजंस ऑफ द जीडीपी क्रैश 2020। सो गाइस, अगर आप जीडीपी क्रैश के पीछे सिर्फ COVID-19 एपिडेमिक को ही रीजन मानते हैं, सो इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द एक्ट ऑफ गॉड। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। तो गाइस, इंडिया के टॉप इकोनॉमिस्ट का भी कहना है कि गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए ओल्ड डिसीजंस लाइक डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, बैंक फ्रॉड्स एंड बैड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सभी डिसीजंस की वजह से हमारी कंट्री की जीडीपी धीरे धीरे घटने लग गई थी। जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि 2016 के बाद से हमारी कंट्री की जीडीपी डाउनफॉल में थी, और अब 2020 के पॉइंट पे आकर एकदम से हमारी जीडीपी नेगेटिव में आ गई है। अकॉर्डिंग टू मी, ये सभी डिसीजंस लिए तो सही इरादे से गए थे, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वॉज वेरी वीक, जिस वजह से इसका इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो गाइस, ये तो थे सभी रीजंस बिहाइंड द जीडीपी क्रैश। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ जीडीपी क्रैश। तो गाइस, हमने इस पूरे लॉकडाउन में देखा कि एक बहुत बड़े लेवल पे जॉब लॉसेस हुए हैं, जिस वजह से इन कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम हो गई है। लोगों के पास इनकम नहीं है तो वो स्पेंड करना कम कर दिया है उन्होंने अपने मनी को। अगर स्पेंड करना कम कर दिया है यानी कि डिमांड अपने आप गिर गई है चीजों की, और अगर डिमांड गिर गई है तो प्रोड्यूसर ने अपने सप्लाई कम कर दिए हैं। तो इन शॉर्ट, ये सभी चीज एक डाउनवर्ड स्पाइरल बन गया है जीडीपी के लिए, और साथ ही साथ हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इस बार इंडिया में जुलाई में 6.9% पे इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी लोगों के पास इनकम ही नहीं है। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट भी आया था कि मोर देन 12 मिलियन पीपल इन इंडिया विल पुश टू द पॉवर्टी बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, वो स्पेंड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आई डोंट थिंक कि ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो गाइस, ये सभी थे कंसिक्वेंसेस ऑफ जीडीपी क्रैश यानी कि परिणाम। और अब देखते हैं सोल्यूशन ऑफ जीडीपी क्रैश यानी कि इस जीडीपी क्राइसिस से हम कैसे बच सकते हैं। तो गाइस, द फर्स्ट सोल्यूशन बिहाइंड दिस जीडीपी क्राइसिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। जी हाँ, गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ानी चाहिए, जैसे कि मनरेगा जैसी स्कीम्स में अपनी फंडिंग बढ़ानी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ब्रिजेस, हाईवेज, इन सभी में अभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, जिससे लोगों को जॉब भी मिलेगी और काम भी इजीली हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अभी अपने गवर्नमेंट को हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने चाहिए, जिस वजह से लोगों को काम मिलेगा और उनके पास इनकम आएगी। तो गाइस, दूसरा सोल्यूशन है इस जीडीपी क्राइसिस का कि गवर्नमेंट को अपनी डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ानी होगी। अभी अपनी कंट्री की डेट टू जीडीपी रेशियो है 20%, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी फंडिंग्स बढ़ाने की अपने अपने स्टेट्स में।
So that's it for today's video, guys. I hope this information of GDP consequences, reasons and solution helped you a lot to know more about economic condition of our country. So if you will like this video, please press the like button and share and subscribe to my channel to get more informative video. So till then, be aware and Jai Hind.